मैं आप सबके हरदिल अजीज शायर और हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब असद बस्तवी साहब को दावत देता हूँ तशरीफ लाए शेर के साथ कि जिसे भी इश्क मोहम्मद नसीब होता है, जिसे भी इश्क मोहम्मद नसीब होता है, दो जहाँ में वही खुश नसीब होता है। वक्त कम है, चंद अशार ही हम समाप्त करेंगे आप खलूस व मोहब्बत के साथ नाते। हाजिरीन गिरामी, हम मुंबई वालों के पास सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की किल्लत है वो वक्त है। पैसे के और रुपए की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। तो मैं चाहूँगा कि आपका बग़ैर वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब किए, इंशाल्लाह दो चार मिनट में अपनी बात अपना शेर मुकम्मल कर लूँगा। मेरे बाद हज़रत मौलाना अलीमुल्लाह साहब दामत बरकातहुम का खिताब होना है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप हजरात बेदार हो जाएँ। एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया। आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने कमज़ोर हो गए कि दुनिया बड़ा फ़ायदा उठाती है, हुकूमतें हमारे दीन के अंदर मदाखलत करती हैं। कल आज़ाद मैदान का एक ज़बरदस्त एहतजाज, मैं मतलब यहीं से पढ़ता हूँ और आप तमाम लोग मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। पेश करता हूँ बतौर खास उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, छोड़ कर सारे मसले एक मरकज पे आना पड़ेगा। और हाजरीन ग्रामी, नत पाक का शेर शेख मुर्शिदना हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब दामत बरकातहुम के हवाले से पढ़ता हूँ। आप मुफ्ती साहब को बताइए कि आप बोलते हैं और आप बोलते हैं मालूनी वाले तो किस तरह बोलते हैं। अगला शेर पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाए। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में, मगर शर्त है ये, कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में, मगर शर्त है ये, कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में, मगर शर्त है ये, अपने आका के नक्शे कदम पर पहले चल के दिखाना पड़ेगा। अपने बात हो भाई, बात हो माशाल्लाह, सच्ची बात, पहले चल के दिखाना पड़ेगा। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। और ये शेर पढ़ता हूँ एक पैगाम की शक्ल में, वो हजरात जो साहिब औलाद हैं, वो मदारिस अरबिया के तालिब इल्म, इन तमाम के हवाले से पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमान। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, रोज महेशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले, रोज महेशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले, रोज महेशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले,
कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। शरीम भाई वक्त बहुत कम है, दोबारा नहीं पढ़ सकता क्योंकि हजरत मौलाना का खिताब हो रहा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। हजरत मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सामईन से मुलाकात कराई। हजरत मौलाना मुफ्ती अंसार साहब दामत बरकातहुम को मुबारकबाद देते हुए आखिरी शेर पढ़ता हूँ। जब हमारी शरीयत पर हमला किया जाता है, जब ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान से 2021 तक इस्लाम खारिज कर दिया जाएगा, तो आपका ये बेटा पूरे हिंदुस्तान में आपकी नुमाइंदगी करते हुए एक शेर पढ़ता है, पेश करता हूँ। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, इधर इधर देखिए आप, जब तक मैं माइक पर हूं आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटाना मिटेगा कभी भी, बोलो इंशाल्लाह। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटाना मिटेगा कभी भी। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटाना मिटेगा कभी भी, ना मिटाना मिटेगा कभी भी। जो मिटाने की कोशिश करेगा उसको दुनिया